एमएलसी चुनाव से पहले चिराग पासवान का एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एनडीए या पशुपति पारस के पक्ष में नहीं बल्कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाता से करते दिखाई दे रहे हैं। जरा वायरल ऑडियो सुनिए। जी नमस्कार चिराग पासवान जी। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया है। चलिए, घर में परिवार में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। चलिए ठीक है, बस हम फोन किए हैं जी। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग साहब को धोखा दिया नहीं दिया। जी जी जी, कल जब उनकी तस्वीर सड़क पर फेंकी गई जी, तो अपने मंत्रालय के लालच में जो एक शब्द नहीं बोले हैं। जी जी सर, तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जी जी भाई, वो मंत्री बनने के लालच में हाँ, साहब हाँ। को क्या पापा को यही ना बोलते थे लोग कि भाई भगवान है, हमारे भगवान है जी। आज उन्हीं भगवान की तस्वीर सड़क पर गिरी पड़ी है, लोग उसको अपने कदमों से रौंद के जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है घर के सामने और ये लोग खामोश बैठा है। जी सर जी, एक बार भी ये लोग कोई शब्द उठाया? मंत्री बने हुए इसी सरकार का ना फैसला है, जिस सरकार में पशुपति पारस जी चाचा जी मंत्री बने हुए हैं। जी जी जी, और उसके बाद इस तरीके से भाई, इससे तो बहुत अच्छा है कि हमको तेजस्वी जी हमको ट्वीट किए, फोन किए, मैसेज किए। जी सर भाई, ऐसे समय पे जो जो अपमान हुआ है उसको, उस पर जो खड़ा है हम लोग को, उस व्यक्ति को देखना चाहिए जी, और जी, जो जी। ऐसे समय में भी खामोश है। हाँ सर, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी, ध्यान तो पूरा रखना चाहिए। तो सब देखिएगा कल सर अपना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब बढ़िया ना? जी जी, और सब बढ़िया। आइए एक दिन डेरा पे बैठते हैं इसके बाद। ठीक है ठीक ठीक सर, नमस्कार। इस वायरल ऑडियो के बारे में जब चिराग पासवान से बातचीत की गई, तो देखिए चिराग पासवान कैसे वायरल ऑडियो से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि इस ऑडियो में वही सारी बातें उन्होंने कही है जो लगातार वो मीडिया के सामने भी कहते रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका भाई, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोले हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है, और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये वायरल ऑडियो तस्दीक कर रहा है कि चिराग पासवान वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एनडीए से ज्यादा आरजेडी के साथ कंफर्टेबल हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह है नीतीश कुमार और चाचा पशुपति पारस की एनडीए में मौजूदगी। खैर, चिराग की अपील के बाद तेजस्वी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट की एमएलसी चुनाव में जीत होती है या नहीं, ये तो नतीजों के साथ साफ होगा, लेकिन वायरल ऑडियो के जरिए ही सही चिराग की तेजस्वी से नजदीकी एक बार फिर से जग जाहिर हो गई। पटना से संवाददाता राजेश झा की रिपोर्ट।